नमस्कार सबको। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल थॉट की क्लास पर हम डिस्कस करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो यूनानी ज्योग्राफरों के अंतिम टाइम पीरियड में तीन महत्वपूर्ण ज्योग्राफर आए थे, इरेटोस्तनीस, पार्कस और पोसिडोनियस। इन तीनों पर हम बात करने वाले हैं। क्लास लंबी हुई तो हम एक को छोड़ेंगे, अगली क्लास में लेंगे, बट प्रयास करूंगा मैं इसमें पूरा करने का। घबराएं नहीं, क्योंकि अभी के लिए हम बिल्कुल थोड़ा स्लो चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा मैटर आप तक प्रोवाइड हो सके और आनंद के साथ पढ़े, मजे के साथ पढ़े। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे कि यार बोदरिंग है, क्योंकि जो समय अपने पास है स्कूल लेक्चरर के लिए वो समय काफी है। तो शुरुआत करें इरेटोस्तनीस से। तो हेडिंग डालिए इरेटोस्तनीस, यूनानी ज्योग्राफर में पढ़ रहे हैं और यूनानी ज्योग्राफरों में आज है इरेटोस्तनीस। कहीं कहीं 273 बीसी भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूजन हो जाएं या कंफ्यूज में पड़ जाएं। 273 273 जहाँ तक माजिद हुसैन का प्रश्न है, माजिद हुसैन 273 ईसा पूर्व मानते हैं। 273 से लेकर के 196 बैक तक इसका टाइम पीरियड रहता है, 1996 बैक क्राइसिस। तो इरेटोस्तनीस 273 ईसा पूर्व जन्मे और 196 ईसा पूर्व उनका देहावसान हो गया। भूगोल के इतिहास में, यानी भौगोलिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है, न केवल यूनानी ज्योग्राफरों में बल्कि संपूर्ण भौगोलिक इतिहास में या भौगोलिक चिंतन के इतिहास में ये एक अविस्मरणीय नाम है। आप कहोगे ऐसा क्या है? वो अविस्मरणीय इसलिए है कि उसी ने ज्योग्राफी शब्द दिया, उसी को फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहते हैं। सारी लिखाऊंगा बातें मैं, बट एक अच्छी पृष्ठभूमि बन जाए। उसी को फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, व्यवस्थित भूगोल का पिता, उसी को आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। उसी ने सबसे पहले भूगोल की रीडिंग बुक ज्योग्राफिया लिखी, पठन की बुक ज्योग्राफिया, न कि ज्योग्राफी का ज्योग्राफिया, इसको भी मैं लिखाऊंगा। इसी ने दुनिया के आवासित क्षेत्रों का वर्णन किया, बसे हुए क्षेत्रों का वर्णन किया। यही वो विद्वान था जिसने पृथ्वी की परिधि को पहली बार सही नाप करके अनुमान लगाया। यही वो व्यक्ति था जिसने पहली बार दुनिया को कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम दिया, अक्षांश और देशांतरों की व्यवस्था दी। एनैक्सिमेंडर ने प्रयास किया था, मैंने पहले बताया था आपको, लेकिन अक्षांश और देशांतरों को सही नापन करके मानचित्र पर अंकित करने का काम यदि किसी ने किया तो इरेटोस्तनीस ने। तो अच्छा खासा ज्योग्राफी में योगदान है। हम अगले 10-15 मिनट तक इरेटोस्तनीस को बहुत शानदार पढ़ेंगे। मैं काफी कंक्लूज करके मैटर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट अस गो। आपके पास नोट्स बुक होगी, लिखिए इरेटोस्तनीस का जन्म साइरेन लीबिया में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? साइरेन। कहाँ आया हुआ है साइरेन? लीबिया में। आप कहोगे सर ये यूनानी ज्योग्राफर है और आप बता रहे हो कि किसी का जन्म लीबिया में हो रहा है, किसी का जन्म आर्मीनिया में हो रहा है, अमानिया में हो रहा है, जैसे हेरोडोटस, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये यूनानी ज्योग्राफर है? बट ये जो
शब्द जितने सारे आए हैं, अमानिया तुर्की का और साइरेन लीबिया का, ये सब यूनानी बस्तियां थी, इसलिए ये ज्योग्राफर यूनानी ज्योग्राफर माने जाते हैं। तो इसका जन्म है वो साइरेन लीबिया में हुआ, 276 बैक क्राइसिस, 276 ईसा पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, ये प्रथम विद्वान था जिसने विश्व को निर्देशांकों की व्यवस्था दी। ये प्रथम विद्वान था जिसने विश्व को निर्देशांकों की व्यवस्था दी, अर्थात मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पहली बार खींचा, अर्थात मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को पहली बार खींचा। बहुत सुंदर बात है ना। ये पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी के मानचित्र पर, देखो कंफ्यूजन पहले भी मैंने आपको बताया था, आपकी कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन किस में होगा, अनैक्सिमेंडर और इरेटोस्थनीस दोनों में होगा। उसमें भी आया कि भाई इसने भी मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर खींचने का प्रयास किया, तो उसने तो प्रयास किया था जबकि इसने वास्तविक मापन करके खींचा था। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट लिखिए, इन्होंने 220 ईसा पूर्व 8 अक्षांश व 8 देशांतरों का निर्देशांक व्यवस्था बताई की हो, लिखना, इन्होंने 220 ईसा पूर्व 8 अक्षांशों व 8 देशांतरों की निर्देशांक व्यवस्था विकसित की। कोई ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, कितने अक्षांश बताए, 8, देशांतर कितने बताए, 8। क्लियर हुआ? थोड़ा बाई मैप के जरिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से 8 अक्षांश थे और वो कौन से 8 देशांतर थे। तो इनके 8 अक्षांशों और देशांतरों का क्रम भी थोड़ा मैं समझता हूँ उचित रहेगा कि उत्तर से दक्षिण में उसका क्रम क्या है और पूर्व पश्चिम में उसका क्रम क्या है। तो मैं एक मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये मानचित्र दिया था इरेटोस्थनीज ने, ज्ञात दुनिया का सुव्यवस्थित सुगठित मानचित्र उसने बताया था, और उसमें तीनों महाद्वीपों का उसने जिक्र किया था, लीबिया का भी किया था, एशिया का भी किया था, और यूरोप का भी किया था, और उसने युग्जियन सागर को भी दर्शाया है, कैस्पियन सागर को भी दर्शाया है, फारस की खाड़ी को भी दर्शाया है, इरिथ्रियन सी को भी दर्शाया है। अब उन्होंने 8 देशांतर और 8 अक्षांश कौन से दिए, इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें। आप भी अपनी किताब के अंदर लिखोगे, देखो अक्षांश कौन से हैं मैं बता दूं, एक दो तीन चार पांच छ सात और ये 8 अक्षांश हैं, जबकि देशांतर 8 है, एक दो, ये वाली देशांतर नहीं है वो, तीन चार पांच छ सात और 8, फिर ये वाली दो देशांतर नहीं है। 8 अक्षांश और 8 देशांतर उसने दर्शाए थे। तो नेक्स्ट आप लिखिए, अक्षांशों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, ऐसे लिखिए, अक्षांशों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। तो जो दक्षिण में पहला अक्षांश था वो था शिनामोन, सबसे दक्षिण में अक्षांश था, उसका नाम था शिनामोन, या उसने दिया था, नाम था शिनामोन, थोड़े टफ नाम है, ढंग से लिखना। और शिनामोन के ऊपर था मेरोय, कहीं कहीं मेरोई भी लिखा आता है, मेरोई या मेरो या एक ही शब्द है, उसको थोड़ा देख लेना।
उसके बाद था सायन, फिर सिकंदरिया, फिर था आपका सायन, सायन कह दे या साइएन भी कह सकते हैं, सायन, फिर था आपका सिकंदरिया, सिकंदरिया कह दें या अलेक्जेंडरिया कह दें तो भी चलेगा। उसके बाद था रोड, रोड या रोडे भी कहते हैं इसको, और रोड के बाद में था वो था ट्रॉड या ये इस तरीके का है, ट्रॉड, रोड, रोड के बाद ट्रॉड, और ट्रॉड के बाद नहीं, सिकंदरिया और रोड का एक ही था, उसके बाद ट्रॉड और फिर बोरिस्तनीज और फिर थूल, ट्रॉड और ट्रॉड के बाद बोरिस्तनीज और फिर थूल, सही है, ये क्रम सही बैठे। रोड और रोडे द्वीप एक था, मैं ये कह रहा था रोड और रोडे द्वीप, ये शब्द आए तो यूं समझना ये अलग नहीं था, एक ही था। मीन्स मेरे ये बताने का तात्पर्य ये है कि कभी कभार स्टैंडर्ड एग्जामों में ये पूछा जा सकता है, जैसे स्टेटमेंट आ जाए कि इरेटोस्थनीज के अनुसार साइन से सिकंदरिया दक्षिण में स्थित है, या अलेक्जेंडरिया से साइन उत्तर में स्थित है, तो फिर वहां अपन का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बात उन्होंने बताई कि नहीं बताई। तो ये चीज उसने सिक्वेंस दिया था, सबसे दक्षिण में सिनामोन है, यानी आठ अक्षांशों की बात करी थी, सबसे दक्षिण अक्षांश सिनामोन दिया, फिर मेरोई दिया, फिर सायन दिया, फिर सिकंदरिया दिया। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना कि सायन दक्षिण में है और सिकंदरिया नॉर्थ में है, सायन दिया, सिकंदरिया दिया, फिर रोडे द्वीप दिया, फिर ट्रॉन्ड दिया, फिर बोरिस्तनीज दिया और फिर थूल दिया। क्लियर। अब अक्षांशों की कहानी खत्म, आप अपनी नोटबुक में बढ़िया मानचित्र इसका बना करके व्यवस्थित अक्षांश देशांतर और उससे तैयार कर लेना। नेक्स्ट लिखो देशांतर पश्चिम से पूर्व, देशांतरों का पश्चिम से पूर्व में सीक्वेंस लिखते हैं। आठ ही देशांतर दिए थे, पहला हरक्यूलिस था, दूसरा कार्थेस था, पहले का नाम उसने दिया हरक्यूलिस, हरक्यूलिस नंबर एक पे, फिर नंबर दो पे था उसका नाम था कार्थेस, कार्थेस, कार्थेस की कहानी पहले भी आई थी, इंपॉर्टेंट चीज है, कार्थेस वासियों के मूंगे के व्यापार की कहानी मैंने पूर्व बताई थी। उसके बाद सिकंदरिया, फिर दजला, फिर आ जाएगा सिकंदरिया। आप कहोगे सिकंदरिया अक्षांश और देशांतर दोनों है, यस दोनों ही है, सिकंदरिया, सिकंदरिया के बाद दजला, ये वही दजला नदी की बात कर रहा है ये, और उसी के नाम पर उसने अक्षांश दे दिया, फिर थाइसेस, फिर कैस्पियन द्वार, ये हो गया थाइसेस, उसके बाद कैस्पियन द्वार, कैस्पियन द्वार। अब ध्यान से देखो, ये कैस्पियन सागर से होकर के गुजरता है, इसलिए इसका नाम इसने दे दिया कैस्पियन द्वार, और फिर आ गया सिंधु का मुहाना और फिर गंगा का मुहाना। ये स्कीटिया थोड़ा सा, ये सिंधु मुहाना हो गया और ये हो गया गंगा मुहाना। इस तरीके से इसने आठ देशांतरों की बात की थी, तो ये आठ ही अक्षांश और आठ ही देशांतर। इसमें मूल बात ये ध्यान रखना है, एक तो इधर से साइन सिकंदरिया का देख लेना, इधर से यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्क्यूलिस, कार्थेस और सिकंदरिया तीनों का क्रम देख लेना। अर्क्यूलिस सबसे पश्चिम में स्थित है, जबकि गंगा मुहाना सबसे पूर्व में स्थित है, सिनामोन सबसे दक्षिण में स्थित अक्षांश है, तो थूल सबसे उत्तर में स्थित अक्षांश है। कहानी खत्म, अच्छी चीज, और यहां से सीक्वेंस अक्सर पूछे जाने की संभावना है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाइए, अगला एरो करके लिखिए, ये भू केंद्रीय सिद्धांत का समर्थक था,
अच्छी बात है ये। ये भूकेंद्री सिद्धांत का समर्थक था। भूकेंद्री सिद्धांत क्या है, मैंने पूर्व में लिखाया हुआ है तो बार बार आपका लंबा समय नहीं लूंगा। भूकेंद्री सिद्धांत का मतलब होता है वह सिद्धांत या वह हाइपोथेसिस जो ये मानती है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य ब्रह्मांडीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस बात का समर्थक इरेटोस्तनीस था। इन्होंने सूर्य और चंद्रमा की निजी गति का वर्णन किया है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा स्वतंत्र रूप से गति करते थे। ये एक स्टेटमेंट दिया है, एक तर्क दिया है, तो लिख दो सूर्य और चंद्रमा की निजी स्वतंत्र गति का वर्णन किया है। सूर्य और चंद्रमा की निजी स्वतंत्र गति का वर्णन किया है, अर्थात अपने आप में ये स्वतंत्र आकाशीय पिंड है, इस बात का वर्णन इरेटोस्तनीस करता है। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट थे। एक बढ़िया बात लिखो इसकी, लिखो मिस्र के शासक टॉलमी युगेट्स, मिस्र का एक शासक था, मिस्र के शासक टॉलमी युगेट्स, मिस्र के शासक टॉलमी युगेट्स ने उन्हें अलेक्जेंड्रिया में आमंत्रित कर, अलेक्जेंड्रिया में आमंत्रित कर वहां स्थित पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अलेक्जेंड्रिया में आमंत्रित कर वहां स्थित पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था। क्लियर। अब बात ये मैंने क्यों लिखा, ये इस बात में अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष ये रहा था, नो डाउट। कई बार प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय का अध्यक्ष रहा, तो याद रखना इरेटोस्तनीस रहा और हिपार्कस रहा था, जो यूनान के इंपोर्टेंट ज्योग्राफर है उनमें से। लेकिन जरूरत जरूरी प्रश्न यह है कि अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किसने किया, तो वो आपको ध्यान रखना है मिस्र के राजा टॉलमी युगेट्स ने किया था। समझ में आ गई बात। और यहीं पर इन्होंने अपने सारे जो ब्रह्मांडीय ज्ञान के एनालिसिस थे वो यहां रहते हुए किए थे। और एक लिख दो नीचे एरो करके, इस पद पर 40 वर्ष तक रहा था, इस पद पर 40 वर्ष तक रहा था। एक लॉजिकल प्रश्न बन सकता है अलेक्जेंडरिया, देखो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि अलेक्जेंडरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा हुआ करता था उस जमाने में। तो अलेक्जेंडरिया पुस्तकालय के बतौर अध्यक्ष के रूप में उसने 40 साल तक दुनिया को ज्ञान और विज्ञान से रूबरू करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट एरो करके लिखिए, उन्होंने पृथ्वी पर, सॉरी पृथ्वी पर नहीं, उन्होंने पृथ्वी की परिधि ज्ञात करने का प्रयास किया, ज्ञात की ऐसे लिखो, उन्होंने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की जिसके लिए सायन और सिकंदरिया के मध्य, जिसके लिए सायन व सिकंदरिया के मध्य बनने वाले कोण तथा धरातलीय दूरी, सायन व सिकंदरिया के मध्य बनने वाले कोण व धरातलीय दूरी के आधार पर बनने वाले कोण तथा धरातलीय दूरी के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी की परिधि, संपूर्ण पृथ्वी की परिधि 250,000 स्टेडिया बताई, 250,000
50,000 स्टेडिया बताइए, जो 25,000 मील के बराबर है, जो 25,000 मील के बराबर है, ये पृथ्वी की वास्तविक परिधि, यह पृथ्वी की वास्तविक परिधि 24,860 मील के बहुत करीब है। 24,860 मील के बहुत करीब है, लिख दिया, नीचे एरो करके लिखो। उन्होंने साइन व सिकंदरिया के मध्य की दूरी, उन्होंने साइन व सिकंदरिया के मध्य की दूरी 500 स्टेडिया मानी। साइन व सिकंदरिया के मध्य की दूरी 500 स्टेडिया मानी तथा इनके मध्य का कोण 7 डिग्री 12 मिनट माना। इनके मध्य का कोण 7 डिग्री 12 मिनट माना, कोष्टक में लिख देना 7.2 डिग्री, 7 डिग्री 12 मिनट माना, कोष्टक में लिख देना 7.2 डिग्री, जो पृथ्वी के संपूर्ण कोणों, जो पृथ्वी के संपूर्ण कोणों, संपूर्ण कोणों के कोष्टक में लिखना 360 डिग्री, जो पृथ्वी के संपूर्ण कोणों के कोष्टक में लिख देना 360 डिग्री का 1/50वां भाग है, का 1/50वां भाग है। अतः इस आधार पर की गई गणना, अतः इस आधार पर की गई गणना 250,000 स्टेडिया आती है, 250,000 स्टेडिया आती है, लिख दिया। देखो कहानी मैंने लंबी लिखाई है, बट यहां से याद क्या रखना है फिर मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये कई बार बच्चों के याद रहता नहीं है, फिर भूल जाते हैं। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि मापी, बिल्कुल सही है, पृथ्वी की परिधि उसने मापी, माप करके ये बताया कि पृथ्वी की परिधि 250,000 स्टेडिया है, 250,000 स्टेडिया है, मतलब 25,000 मील है। मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास के अंदर कि 10 स्टेडिया मैंने 1 मील, उस समय उन्होंने पृथ्वी की परिधि 25,000 मील बताई थी, जो पृथ्वी की वास्तविक परिधि 24,860 मील की बहुत करीब है। इसका मतलब उसने लगभग सही अनुमान लगाया था। तो 250,000 डिजिट याद रह जाएगी स्टेडिया, 25,000 मील याद रह जाएगा। अगला प्रश्न क्या बनेगा, उन्होंने पृथ्वी की परिधि मापन में कौन से दो स्थानों का इस्तेमाल किया? उन्होंने दो स्थानों का इस्तेमाल किया, एक सायन था और दूसरा सिकंदरिया। अभी मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी बताऊंगा कैसे इसने किया। उसने सायन और सिकंदरिया दो शहरों को चुना, यानी स्थानों को चुना, और उसने ये कहा कि सायन और सिकंदरिया दोनों एक ही देशांतर पर स्थित है। अब देशांतर वाली कहानियां छोड़ दो, उसने कौन से दो शहरों का इस्तेमाल किया? सायन और सिकंदरिया। दोनों के बीच का कोण कितना है? 7 डिग्री 12 मिनट। कैसे आया ये भी मैं बता दूंगा, बट ये याद रखना कितना है दोनों के बीच का कोण, 7 डिग्री 12 मिनट, या इसको 7.2 डिग्री भी कह सकते हैं। सायन और सिकंदरिया के बीच की उसने धरातलीय दूरी कितनी बताई? 500 स्टेडिया बताई, ये भी आपको याद रखना है। अब 150वां भाग 360 डिग्री कोण, इसको मैं आपको समझाता हूं, चित्र के माध्यम से समझाऊं ताकि बढ़िया आपको समझ में आएगा।
चलो पहले यूं ही समझाता हूं मैं, फिर चित्र का इस्तेमाल करूंगा। जैसे ये विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये एक देशांतर रेखा है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से गोल है। तो समझ लिया आपने कि ये एक देशांतर रेखा है। इसी देशांतर रेखा पर यहां स्थित है सायन और यहां पर स्थित है सिकंदरिया। ये बात तो तय है कि सायन दक्षिण में है और सिकंदरिया नॉर्थ में है, ये तो अपन ने अक्षांशों में देख लिया। अब मैं काल्पनिक रूप से कहूं तो पृथ्वी के केंद्र से एक कोण बनाया जाए जो सायन और सिकंदरिया के बीच में बनता है। उसने तो बनाया नहीं था, उसने वो सूर्य घड़ी का इस्तेमाल, सूर्य की किरणों का इस्तेमाल किया था, वो भी मैं बता दूंगा। सायन और सिकंदरिया के बीच का जो कोण बनता है वो बनता है 7 डिग्री और 12 मिनट का, मतलब 7.2 डिग्री का बनता है सायन और सिकंदरिया के बीच का कोण। और सायन और सिकंदरिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना मानता है, 500 स्टेडिया मानता है। अब सुनना ध्यान से, यदि पूरी पृथ्वी का वृत्त चक्कर लगाते हो आप तो ये कोण कितना बन गया, ये यहां से लेकर के वापस यहां तक ये कोण कितना बना, 360 डिग्री बना। अब 360 का ये कितना हिस्सा है, यानी ये 360 में से ही है 7 डिग्री 2 मिनट, तो ये कितना कौन कितना हिस्सा बनता है, 360 डिग्री का ये कितना भाग है। तो उसने कैलकुलेट करके ये बताया कि ये 360 डिग्री का 150वां, यानी 1/50वां भाग है। कितना, 1/50वां भाग है किसका, 360 डिग्री का। आपको कैसे आया, आप 1/50 × 360 करो, सात पॉइंट दो आ रहे नहीं आ रहे, यानी ये कोण इस पूरे कोण का 1/50वां हिस्सा है। समझ गए, इसका मतलब ये पूरी पृथ्वी की परिधि है, यानी अराउंड पृथ्वी के चारों ओर आप घूम गए, घूम गए मतलब परिधि होगी। उसने जो पृथ्वी की परिधि विषुवत रेखा के हिसाब से नहीं मानी थी, उसने ध्रुव के हिसाब से मानी थी, लेकिन एक उसने गलती कर दी, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा। उसने पृथ्वी को गोल माना था, जबकि पृथ्वी गोल नहीं है, संतरे के समान है, तभी तो उसका थोड़ा मिस्टेक हुआ विषुवत रेखा के और उस कोणों में कुछ मिस्टेक हुआ था। अब ये पूरी की पूरी जो परिधि है इसका ये हिस्सा कितना होना चाहिए, 1/50वां हिस्सा होना चाहिए। ये दूरी कितनी है, 500 स्टेडिया है, तो 500 स्टेडिया किस दूरी का 1/50वां हिस्सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1/50 का गुणा होगा, लेकिन ये गुणा किस रूप में होगा, क्रॉस रूप में होगा, कि किस संख्या का 1/50वां है। ऐसा करने के लिए आपको 50/1 × 500 करना होगा, और इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 500 नहीं थी, उसने 5000 स्टेडिया मानी थी, उसमें 5000 लिखना, 500 नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गए थे, 5000 स्टेडिया जहां भी आपने अपने पूर्व में क्या लिखा है, ये 500 स्टेडिया नहीं है, हो थोड़ा कंफ्यूजन है, ये दिमाग की स्कीप है, इसको 5000 स्टेडिया लिख लेना। अब इस 50 को अपन ने 5000 से गुणा किया, अब कितना आया, 2,50,000 आ गया।
अब ये 2,50,000 स्टेडिया है, ये यहां से लेकर के यहां से होते हुए यहां तक की डिस्टेंस है, तो आप पूरी पृथ्वी की घूम गए, इसका मतलब वृद्धि हो गई। अब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सायन, सिकंदरिया, 7 डिग्री 2 मिनट, 5,000 स्टेडिया, 2,50,000 स्टेडिया अर्थात 25,000 मील जो इरेटोस्तनीज ने बताई थी। लेकिन इरेटोस्तनीज के द्वारा बताई गई दूरी के बिल्कुल नजदीक आज की वास्तविक दूरी है, तब हम कह सकते हैं कि इरेटोस्तनीज ने फर्स्ट ऑफ टाइम पृथ्वी की परिधि का पता लगाया था। अब उसने लगाया कैसे था, आपको इधर ये कोण कैसे नापा था, तो आपके सामने एक चित्र है, ये डायरेक्ट ये चित्र है, ये जो W दिख रहा है ना, ये अलेक्जेंड्रिया का भाग है, अर्थात अलेक्जेंड्रिया है, सॉरी ये अलेक्जेंड्रिया नहीं है, ये साइन है, अलेक्जेंड्रिया नहीं, अलेक्जेंड्रिया ओ वाला है, ये यहां है अलेक्जेंड्रिया और यहां है साइन। साइन पे एक कुआं बना हुआ है और रियल के अंदर ये कुआं था। उसने कहा कि साइन के कुएं पे जब मध्याह्न में देखते हैं तो सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता उस कुएं के बीचों बीच में, रिफ्लेक्शन से उसने पता लगाया था। और ऐसा मतलब माजिद हुसैन तो यहां तक लिखते हैं या ऑथर यहां तक लिखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट था साइन का, वो वॉल वाल जिसका इरेटोस्तनीज ने यूज किया था मध्याह्न का समय नापने के लिए। तो जब मध्याह्न के ऊपर सूर्य होता है उस समय सायन के जो वॉल है, जो कुआ है, उसके ऊपर सीधी परछाई पड़ती है, सॉरी उसके ऊपर सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसी कंडीशन में जब सायन के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है उस समय उन्होंने सिकंदरिया के ऊपर एक लंबा पोल खड़ा किया इस तरीके से, और फिर इस पोल की जो छाया पड़ती थी, इस पोल की ये पोल था, तो अब इसके ऊपर सीधा सूर्य चमकेगा, तो अब ये सूर्य तो थोड़ा सिकंदरिया की तरफ, सायन की तरफ है, तो सिकंदरिया के ऊपर तो सीधा नहीं चमकेगा, तो सिकंदरिया के पोल की हल्की छाया पड़ेगी। तो ये जैसे उसने सूर्य के हिसाब से सीधी किरण खींच दी क्योंकि ये इतनी साया बन रही थी, अब इसको इसने कर दिया सीधा, और फिर जो पोल खड़ा किया था उस पोल की लाइन को भी उसने आगे बढ़ा दिया काल्पनिक रूप से। अब उस पोल और वो जो सूर्य की किरण आ रही थी, वो जो साया बन रही थी, उसके बीच में, यानी वो जो दोनों लाइनें उसने आगे बढ़ाई, उसके बीच में जो कोण बन रहा है, यही कोण यदि ये जो सिकंदरिया के ऊपर पोल है इसकी लाइन को आगे बढ़ा करके पृथ्वी के केंद्र तक ले जाया जाए, और सिकंदरिया वाली लाइन को और साइन वाली लाइन को भी अपने पृथ्वी के केंद्र तक ले जाया जाए, तो इन लाइनों के बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेलल समानांतर रेखाओं के मध्य डाले गए कर्ण, ये कर्ण है ना तिरछा, ये मेथड्स के नियम के आधार पर है, डाले गए कर्ण के ऑपोजिट बनने वाले कोण, जैसे ये कर्ण है, ये इस रेखा पर ये कोण बना रहा है, इस रेखा पर ये कोण बना रहा है, ये इक्वल कोण माना जाता है। समांतर रेखाओं के मध्य डाले गए कोण पर बने डाले गए कर्ण के द्वारा बनाए गए दो विपरीत कोण बराबर कोण होते हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, इस कोण को तो वो माप सकता है यार, आपको इस कोण को जमीन के अंदर कैसे मापेगा, अंदर मापने की जरूरत ही नहीं है। ये इसने पोल खड़ा किया, यहां तक इसकी साया आई, पोल के ऊपरी बिंदु से साया तक आप कोई धागा ला सकते हैं या कोई और वस्तु ला सकते हैं, और फिर यहां जो कोण बनेगा उसको आप नाप सकते हो आराम से, और वो कोण आया जो यहां जो उसने कोण नापा था, ये कोण आया था 7 डिग्री और 12 मिनट का। अब जब ये कोण 7 डिग्री और 12 मिनट का हुआ तो ये कोण भी कितने का हो गया, 7 डिग्री और 12 मिनट का। अब ये कोण क्या बता रहा है कि सायन और सिकंदरिया के मध्य 7 डिग्री और 12 मिनट का गैप है,
तब उसने कह दिया कि भाई ये इसके बीच में 7 डिग्री 12 मिनट का गैप है, तो टोटल ये 360 का 7 डिग्री 12 मिनट कितना होगा कि 150वां हिस्सा होगा। चलो ठीक है, अब साइन और सिकंदरिया के बीच में दूरी माप लो। उसने दूरी मापी, 5000 स्टेडिया निकल करके आई। अब उसने कहा ठीक है, मामला बैठ गया, 5000 स्टेडिया है वो किसका, 1/50 हिस्सा है। तो उसने कैलकुलेट करके पाया कि ये 2,50,000 का 1/50 हिस्सा है। तो उसने कह दिया कि पृथ्वी की जो परिधि है वो 2,50,000 है। अब इस तरीके से कोण मापना, और इसका मतलब वो गणित का बहुत अच्छा ज्ञाता था, और गणित के साथ साथ पृथ्वी के मापन का भी ज्ञान था उसके पास। ये सारा उसने पृथ्वी का मापन किया, इसलिए ज्योग्राफी में इरेटोस्थनीज को जियोडेसी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जियोडेसी। जियोडेसी मतलब भूगणित, अर्थात पृथ्वी का मापन या धरातल का मापन। तो नेक्स्ट आप एक लाइन लिख सकते हैं, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मोटा मोटा। आप कहोगे सर ये बिल्कुल क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं था। थोड़ा बहुत उन्होंने जो सायन और सिकंदरिया की बात करी थी, तो सायन और सिकंदरिया एक ही मेरिडियन पर स्थित नहीं है, देशांतर पर स्थित नहीं है। और उसने हालांकि कई स्थानों को एक देशांतर पे बताया था, जैसे अलेक्जेंड्रिया, रोडे, अलेक्जेंड्रिया और रॉड्स, और नहीं ये रोडे द्वीप, और एक वो ट्रॉड, और एक था उसने जो बोरिस्तनीज की बात करी थी, बोरिस्तनीज और एक बेंजामिनियम। ये स्थान उन्होंने एक ही देशांतर पे बताए थे, बट थोड़ी उसकी गलती हो गई कि ये मौजूदा टाइम के अंदर एक ही देशांतर पे नहीं है। जैसे ये एक्चुअल मेरिडियन निकलता है माना कि इस तरीके का, तो अलेक्जेंड्रिया से रॉड्स थोड़ा लेफ्ट के अंदर पड़ेगा, ट्रॉड भी लेफ्ट के अंदर पड़ेगा, फिर ये बेंजामिनियम है ये थोड़ा नजदीक आएगा, फिर बोरिस्तनीज है ये थोड़ा राइट के अंदर चला जाएगा। थोड़ा उसके मेरिडियन को लेकर कंफ्यूजन था, लेकिन मैं कहूंगा ये कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं। उस जमाने के अंदर इस तरीके का नॉलेज रखना ये अपने आप में एक बहुत ही अलग किस्म की ज्ञान का प्रतीक हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्षांश और देशांतरों की सहायता से, सॉरी देशांतरों के मध्य कोणों की सहायता से पृथ्वी की परिधि का मापन। बहुत ही अच्छी चीज लिखी। उसके बाद लिखो इरेटोस्थनीज को भूगणित का संस्थापक या जन्मदाता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगणित का जन्मदाता कहा जाता है। भूगणित, भूगणित के ऑप्शन ऑब्लिक में लिख दो, भूमापन पृथ्वी का मापन, और इंग्लिश में लिख दो जियोडेसी। जियोडेसी, जियोडेसी या भूगणित। ये प्रश्न अच्छा है, हो इसको आप कमतर मत आंकना। फादर ऑफ जियोडेसी किसको कहा गया है? इरेटोस्थनीज को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने पृथ्वी का जो पृथ्वी की परिधि का मापन था वो बिल्कुल सटीक किया था। नेक्स्ट एरो करके लिखो, इन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा की मध्य दूरी 7,80,000 स्टेडिया बताई। यहां गलती कर बैठा, पृथ्वी और चंद्रमा की मध्य दूरी 7,80,000 स्टेडिया बताई। फिर नीचे लिखो पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी, पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी 40,00,000 स्टेडिया बताई। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी 40,00,000 स्टेडिया बताई। ये दोनों ही सत्यता से दूर है, ये दोनों ही सत्यता से दूर है, काफी दूर है। ठीक है, ये इसका डिजिट तो नहीं पूछेगा, बट कभी कभार हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में पूछते कि इरेटोस्थनीज के संदर्भ में सही है कि उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी 7,80,000 स्टेडिया बताई। हाँ भाई बताई थी, लेकिन गलत बताई थी, ये दोनों ही तथ्य गलत है। फिर लिखो उन्होंने, नीचे एरो करके, उन्होंने
वास योग्य भूमि, वास या आवास लिखना हो, आवास में बसाव लिखना, उन्होंने वास ऑब्लिक बसाव योग्य भूमि के लिए ऑक्यूमेने, ऑक्यूमेने आगे इंग्लिश में लिखना ओ के यू एम ई एन ई, ऑक्यूमेने हो, सॉरी ओ नहीं है, इक्यूमेने, ये ऑक्यूमेने में थोड़ा अलग है, ई लिखना, ई के यू एम ई एन ई, ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। उन्होंने वैसे हिंदी में उच्चारण आप इसको ऑक्यूमेन कह सकते हैं, ऑक्यूमेने कह दो, या इसको आप इक्यूमेने भी कह सकते हैं, इक्यूमेने। एक्चुअल में जब आप किताब पढ़ते हो तो एक कंफ्यूजन होता है कि सर ऑक्यूमेने और इक्यूमेने, ये केवल इसमें नहीं है, बहुत सारे शब्दों में कंफ्यूजन है, क्योंकि ये तो स्ट्रेबो की देन है ऑक्यूमेने, और इक्यूमेने इरेटोस्टेनिस दिया, इसमें ई उच्चारण इरेटोस्टेनिस के साथ आएगा और ओ उच्चारण आएगा स्ट्रेबो के साथ, मैं आगे स्ट्रेबो में बताऊंगा, बट जो स्टैंडर्ड जो हमारे ऑथर होते हैं वो इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, और जब हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो वो जो ट्रांसलेटर होता है वो ई और ओ का थोड़ा ध्यान कम देता है, तब वो इंग्लिश डिक्शनरी साथ में डालते हैं, तो यहाँ इंग्लिश डिक्शनरी का ध्यान रखना। बात क्या है कि उन्होंने दुनिया में जो भी आवास योग्य भूमि थी या बसाव योग्य भूमि थी उसके लिए एक शब्द यूज किया था इक्यूमेने, तो आ सकता है कि इरेटोस्टेनिस ने वास योग्य भूमि के लिए शब्द इस्तेमाल किया इक्यूमेने, ई क्यू यू ई एम ई एन ई, यदि कहीं ई सी यू लिखा है तो मैं समझता हूँ गलत है, या हो सकता है उसने किसी दूसरी बुक से उठाया है, क्योंकि मेरे सामने भी ये कंफ्यूजन आया था तो मैंने क्लियर किया था ई के यू एम ई एन ई। ओके नेक्स्ट एरो करके लिखो, उन्होंने विश्व विस्तार उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में अधिक बताया, गजब की अच्छी बात लिखी उसने, कहा कि जो विश्व का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण में कम है, आप ऐसे लिख देना, उन्होंने विश्व का विस्तार उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में अधिक बताया। थोड़ा अपने दिमाग पे वजन दे करके इसको समझना, जो मैंने मानचित्र आपको बताया था इसको गौर करके देखो, यदि नॉर्थ से साउथ में आप जाते हो अकॉर्डिंग टू इरेटोस्टेनिस मैप, ये आपको कम डिस्टेंस पार करना पड़ता है, यही बात ये कहता है कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार कम है, जबकि पूर्व से पश्चिम में तुम जाओगे तो ये डिस्टेंस आपको अधिक पार करना पड़ेगा। दैट इज राइट, ये मैटर आपका क्लियर हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इरेटोस्टेनिस के अनुसार विश्व का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कम है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार अधिक है, लिख दिया। नेक्स्ट, इन्होंने गंगा का प्रवाह, बात लिखी है इसने अपनी, इन्होंने गंगा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर बताया जबकि सिंधु का उत्तर से दक्षिण की ओर, इन्होंने गंगा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर बताया, पश्चिम से पूर्व की ओर, और सिंधु का उत्तर से दक्षिण की ओर, सही ज्ञान दिया है। इससे पूर्व अपन ने यूनानी ऑथरों के बारे में पढ़ा था, कुछ विद्वानों ने गलत ज्ञान दिया था सिंधु के बारे में, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है, ये चीज आप कहोगे सर गंगा तो पश्चिम से पूर्व ही चलती है इसमें क्या उसने बताया, बट एक स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या इरेटोस्टेनिस ने ये बात बताई कि नहीं बताई, इरेटोस्टेनिस ने जिक्र किया कि नहीं किया, तो किया था, उसने गंगा का भी किया था और सिंधु का भी जिक्र किया था। भारत की आकृति समचतुर्भुजी बताई थी, हालांकि भारत के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, बट उसने भारत की आकृति है वो समचतुर्भुजी बताई थी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भारत की आकृति के संदर्भ में।
उसके बाद नेक्स्ट एरो करके लिखिए, उन्हें तापराबोन अथवा श्रीलंका की जानकारी थी, उन्हें तापराबोन, तापराबोन ऐतिहासिक काल में किसको कहते थे, श्रीलंका को कहते थे, अतः आप लिख दो उन्हें तापराबोन, क्योंकि उसने अपनी ज्योग्राफिया किताब के अंदर तापराबोन शब्द यूज किया है, तब हम कह सकते हैं कि उसको श्रीलंका की जानकारी रही होगी। नेक्स्ट एरो करके लिखें, उन्होंने लाल सागर का अच्छा वर्णन किया है, उन्होंने लाल सागर का अच्छा वर्णन किया है तथा लाल सागर की लंबाई तथा लाल सागर की लंबाई 900 मील बताई है। अच्छी बात है, इसको ढंग से लिख लेना। ये छोटे छोटे प्रश्न कभी कभार हमारे लिए आफत बन सकते हैं। उन्होंने लाल सागर की लंबाई 900 मील बताई। लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, उन्होंने पांच जलवायु कटिबंधों का, उन्होंने पांच जलवायु कटिबंधों का वर्णन भी किया है, उन्होंने पांच जलवायु कटिबंधों का वर्णन भी किया है। तापराबोन श्रीलंका को कहते हैं, ये चीज मैंने पूर्व में बता दी आपको, थोड़ा ढंग से इसको देख लेना। उसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट उसने और दिया था, मैं आगे बताऊंगा। पांच जलवायु कटिबंध, ये प्रश्न विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बहुत सारे ज्योग्राफरों को पढ़ोगे, स्ट्रेबो को भी पढ़ोगे और इसको हिपार्कस को भी पढ़ोगे, ये सब पृथ्वी के जलवायु कटिबंधों के बारे में अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, किसी ने पांच दिया, किसी ने सात दिया, तो फिर एग्जामिनर के दिमाग में ये बैठता है किसी एक का पूछ ले। तो अभी तक इरेटोस्थनीज का आया है, इरेटोस्थनीज ने पांच जलवायु कटिबंध दिए और वो भी वर्तमान के सिस्टम के हिसाब से, एक उष्ण, दो शीतोष्ण और दो शीत। एक तो उष्ण बताया उसने, दो उसने शीतोष्ण बताए और दो ही उसने शीत कटिबंध बताए, जो आज के समय में यथार्थ बैठते हैं। नेक्स्ट एरो करके लिखिए, उन्होंने भारत की भूमि से, एक छोटा सा चैप्टर बन सकता है, उन्होंने भारत की भूमि से तापराबोन अर्थात श्रीलंका की दूरी 7 दिवसीय यात्रा के रूप में व्यक्त की। उन्होंने भारत से तापराबोन श्रीलंका की दूरी 7 दिवसीय यात्रा से व्यक्त की। बात समझ में आई कुछ? ये यूं कहना चाहता है कि भारत के दक्षिण सिरे से आप श्रीलंका जाओगे तो 7 दिन का आपको समय लगेगा। तो इन्होंने कोई स्टेडियम स्टेडियम दूरी नहीं बताई है, दूरी जरूर बताई है, जिक्र जरूर किया है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि उसने भारत और तापराबोन के मध्य दूरी का वर्णन किया है जो 7 दिवसीय यात्रा पर स्थित है, अर्थात 7 दिवस की यात्रा के बाद वो पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज और लिखो, इरेटोस्थनीज प्रथम विद्वान था, इरेटोस्थनीज प्रथम विद्वान था जिन्होंने नील नदी के पश्चिम में बसे हुए प्रदेश नूबियनों के बारे में उल्लेख किया था। इरेटोस्थनीज प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने नील नदी के पश्चिम में बसे प्रदेश
नूबियनों के बारे में उल्लेख किया था। गजब की अच्छी बात है हो, यानी आज तक यूनानी ज्योग्राफरों ने किसी ने भी नीले के वेस्ट में स्थित नूबियन भूमि का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये पहला विद्वान था जिसने नूबियनों का अच्छा जिक्र किया था। ठीक है, एक वो जो आपने कटिबंध का लिखा है उसके पास एक चीज और लिख दो, अभी मुझे नोट्स में ध्यान में आई। कटिबंध का अभी आपने जिक्र किया था, अपन ने अभी पढ़ा था ना, ये एक उष्ण दो शीतोष्ण और दो शीत, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी एक बन सकता है। एरो करके लिखो, इरेटोस्थनीज के अनुसार, उसी के पास या उससे संदर्भ में जोड़ देना बाद में आप अपने हिसाब से, इरेटोस्थनीज के अनुसार उष्ण कटिबंध संपूर्ण पृथ्वी की परिधि के 48 अंश पर स्थित है। उष्ण कटिबंध संपूर्ण पृथ्वी के 48 अंश पर स्थित है, अर्थात 24 उत्तर अंश, मतलब डिग्री कर दो, 24 डिग्री उत्तर और 24 डिग्री दक्षिण। बड़ी मजेदार बात कही उसने, यानी उष्ण कटिबंध पृथ्वी के 48 अंशों में स्थित है। अंश मतलब अक्षांश समझ लें अपन आज के हिसाब से, यानी टोटल जो पृथ्वी का कोण बनता है उसके हिसाब से 24 डिग्री नॉर्थ तक और 24 डिग्री साउथ तक कौन स्थित है, उष्ण कटिबंध। उसके बाद नीचे लिखो, उन्होंने शीत कटिबंध को ध्रुव से 24 डिग्री अंश तक माना, या 24 अंश तक माना। शीत कटिबंध को ध्रुव से 24 अंश तक माना। अब सुनो ध्यान से, बीच का इसने शीतोष्ण कटिबंध बांध लिया, कोई इसने जिक्र नहीं किया है कि वो कितना है, लेकिन अब मैं बताता हूं। उसने ऐसे किया कि जैसे ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, सॉरी माध्यान रेखा, ये 24 डिग्री इधर और ये 24 डिग्री इधर, ये अपन साउथर्न हेमिस्फीयर मान ले, ये 24 डिग्री इधर और 24 डिग्री इधर। इस पूरे हिस्से के अंदर उसने उष्ण कटिबंध माना है। उसके बाद ये ध्रुव है, और अपन मान ले कि ध्रुव 90 डिग्री एंगल पे है, तो ध्रुव से 24 अंश तक उसने शीत कटिबंध माना है। ध्रुव से 24 अंश का मतलब क्या हुआ, 67 डिग्री तक, यहां से 67 डिग्री, ये हो गया 67 डिग्री यहां तक, अर्थात 67 से लेकर के 90 डिग्री तक इसने शीत कटिबंध माना है, और बीच के अंदर 24 से लेकर के 67 तक इसने क्या माना है, शीतोष्ण माना है। यह है इस इरेटोस्थनीज का जो जोन डिवाइडेशन था उसका एक अच्छा सा प्रश्न बन सकता है। लिख दिया, चलो एक और चैप्टर लिख दो इसका, वो एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। देखो, इरेटोस्थनीज ने प्रथम समांतर वर्त मतलब अक्षांश, इरेटोस्थनीज ने प्रथम समांतर वर्त हरक्यूलस के स्तंभ से भारत के शोर तक खींची। प्रथम समांतर वर्त कह दें या अक्षांश कह दें, हरक्यूलस के स्तंभ से भारत के शोर या सीमा तक खींची। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हरक्यूलस का स्तंभ सबसे पश्चिम में था, हरक्यूलस देशांतर, और भारत का जो गंगा मुहाना है वो सबसे पूर्व में था, तो उसका जो पहला समांतर वर्त बना था वो हरक्यूलस के स्तंभ से होता हुआ भारत के
शोर तक था। ये हो गया आपके इरेटोस्तनीज का चैप्टर। आशा है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी क्लास भी काफी लंबी हो गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम है वो हिपार्कस को, पोसिडोनियस को और पॉलीबियस को समझ लेंगे और इसके साथ ही यूनानी ज्योग्राफरों का जो स्टडी थी वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम एक कंक्लूज क्लास लेंगे। कंक्लूज क्लास का मतलब मैं कुछ चीजें और स्टडी करूंगा कि जितना सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया गया है इनके इत्र भी क्या इन ज्योग्राफरों में से कभी कभार कोई प्रश्न पूछा गया है या पीछे रह गया है, एक क्लास वो आएगी यूनानी ज्योग्राफरों की, यदि कोई ऐसी चीज रही है तो। और उसके बाद एक टेस्ट आएगा इनका, हालांकि वो टेस्ट में यूनानी और रोमन दोनों को मिलाकर के कर सकता हूं या यूनानी यूनानियों का अलग से कर सकता हूं। जो टेस्ट सीरीज का मेरी जो टेस्ट सीरीज अलग से चलेगी उसका वो पहला टेस्ट होगा, आपके लिए वो फ्री प्रोवाइड होगा इस कोर्स के साथ। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट एंड वॉच कीजिए और जो मेरी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अनुसार ही चले, नोट्स बकायदा प्रॉपर बनाए, जैसा मैं बोल रहा हूं उसी के हिसाब से नोट्स बनाए और हमेशा नोट्स को 2 या 3 दिन बाद रिवाइज करें। बेशक वो दिन दूर नहीं जब 2024 की जो लेक्चरर की भर्ती होगी उसमें हम और आप सब मिलकर के आपकी जो सफलता की खुशी है उसको व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।